हम बात कर रहे हैं BHEL की, भेल की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको अच्छा खासा अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 333.25 पैसे पर फिलहाल हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि 300 का ब्रेकआउट और 300 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 340 तक के टारगेट को हम डिस्कस कर चुके थे। चैनल्स पर वीडियोस मौजूद है, चाहो तो आप देख सकते हो। 340 तक के टारगेट को डिस्कस किया था। स्टॉक आज के दिन में हमको 335 तक का जंप दिखाते नज़र आ रहा है, यानी इसके बिटवीन 340 के बिटवीन जो भी टारगेट है, 300 से 340 के बिटवीन जो भी टारगेट है, वो सारे टारगेट हमारे हमको स्टॉक हिट करता नज़र आ रहा है। यहाँ से अब BHEL हमको बड़ी उड़ान दिखा सकता है, बड़ा अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। चार्ट पैटर्न देखो दोस्तों, लगातार अप ट्रेंड दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब नीचे की ओर 330 इमीडिएट सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा और तगड़ा सपोर्ट रहेगा। देख सकते हैं जहाँ से स्टॉक ने 3 दफ़ा रिजेक्शन फेस किया है, 1, 2 एंड 3। कौन सा लेवल? 320 का लेवल, इसका आप तगड़े सपोर्ट का रोल प्ले करेगा BHEL के लिए। अब बात रही टारगेट की, तो इमीडिएट टारगेट 340 जो कि इसका रेजिस्टेंस है। अगर इस एरिया से बड़ा सेलिंग नहीं आता, 330 तक की भी गिरावट आती है तब भी चल जाता है स्टॉक, बाउंस बैक करके 340 का लेवल ब्रेकआउट दिखा सकता है। और अगर स्टॉक 340 के आसपास ही सस्टेन होता है तो वैसी कंडीशन में 340 के ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट टारगेट बनेगा 340-250 का लेवल। ब्रेकआउट कर जाता है तो 344 और इस बाउंस बैक के साथ फिर स्टॉक हमको 350 से लेके 360 तक के टारगेट दिखा रहा है। और BHEL की हमको 360 की तैयारी यहाँ से नज़र आ रही है। एक नया हाई, एक नया 52-week हाई लगाता हुआ हमको BHEL नज़र आ सकता है। यहाँ से 360 की तैयारी नज़र आ रही है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।